हाउ आर यू पीपल्स? आप सभी लोग कैसे हैं? क्या हाल चाल चल रहा है? गर्मी का माहौल मेंटेन है अभी भी, बट पढ़ाई करिए। अभी देखिए, नीट 2024 का जो है आंसर की और OMR सीट जो है UGC NTA नेट ने रिलीज कर दिया है, ठीक है। OMR एंड आंसर की, तो अगर आप लोग इधर उधर कर रहे थे, ठीक है, इधर उधर कर रहे थे का मतलब पेरेंट्स को झूठ बोल रहे थे या खुद के धोखे में या गलत फहमी में थे, तो आप इससे मिला के एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि आप किस रेंज में हैं और कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। मतलब कभी कभी होता है बच्चे मिस्टेक्स कहाँ करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे वो सही मार्क कैसे लगाते हैं, लेकिन जब गोला फिल करना होता है तो पता चला गोला फिल करना है इसको और फिल कहाँ करके आ गए हैं नीचे वाले के लिए, ठीक है। 35 पे करना है सही तो पता चला कि 36 में बी पे मार के आ गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो 35 भी गया और क्वेश्चन 36 भी गया। अगर आपने गलती से इसको बी मार दिया, अगर 35 को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो ये गया ऑटोमेटिक। मान लीजिए कि 35 गलत था और आप गलत लगा रहे थे, 36 आपको कंफर्म पता था लेकिन आपने आंसर जो है लोड़ दिया। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखना होता है हालांकि शुरू से ही, लेकिन आप लोग जो है प्रैक्टिस करते समय इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं, ठीक है। आप लोग लगता है कि बहुत आसान है, हम तो कर लेंगे एग्जाम में डायरेक्टली। डू नॉट थिंक दैट, ठीक है, नॉट थिंक दैट, बिकॉज प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग विच मेक्स यू कॉन्फिडेंट। अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ेगा, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है पता है? आपकी कॉम्प्लेसेंसी बढ़ती है। कॉम्प्लेसेंसी, कॉम्प्लेसेंसी इसको बोलते हैं कि आपको लगता है कि आपका सब सब्जेक्ट तैयार है, फिजिक्स भी तैयार है, केमिस्ट्री भी तैयार है, बायोलॉजी तो एकदम हलवा है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें 300 नंबर क्रॉस करते करते या 330 क्रॉस करते करते हालत खराब हो जाती है, जबकि इसमें नंबर आना कितना चाहिए, 360 का टारगेट करके चलिए, 350 360 आना ही चाहिए। अरे दो ठो किताब है यार, छोटी छोटी किताबें हैं, इतनी पतली पतली, मुझे ये नहीं समझ में आता कि 2 साल में ये इतनी सी किताबें खत्म कैसे नहीं होती हैं। मतलब लॉजिक है इसमें। सही मामले में अगर मैं आपको जो प्लान बताया था 2:2:1 का, अगर इस प्लान को खाली फॉलो करो ना ढंग से, और इसमें थोड़ा सा अपने पढ़ाई के हिसाब से आप ट्वीकिंग करके करो, तो बायोलॉजी का कहानी जो है ना 6 मंथ में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, दोनों किताब 11th एंड 12th दोनों। और इसके बाद जो टाइम है पूरा टाइम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पे दो, और इसको बस रिवीजन करते रहो, क्वेश्चन लगाते रहो। लेकिन आप ये नहीं करेंगे आप ये नहीं करेंगे। खैर चलिए, हम लोग चैप्टर सेल पढ़ रहे हैं, और सेल में हम दो चैप्टर दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, एकदम शुरुआत वाले, मतलब जो स्टार्टिंग से छोटा छोटा मैं करके चल रहा हूँ। मतलब आधे घंटे का लेक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों को लंबा लेक्चर देखने में मजा नहीं आता है, हालांकि लास्ट में आप वही प्रीफर करते हैं। एनीवे, सो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। मीनिंग हमने आपको पहले ही समझाया है, देखिए आपको टन 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 घंटी की आवाज आ रही होगी, वो आइसक्रीम या फुल्की या पता नहीं कुछ बेच रहा होगा जो भी है पर्सन नीचे रोड साइड में, है ना। गर्मी है, दरवाजा ओपन है, खिड़की ओपन है, सब ओपन है। यस, इट्स ओपन बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी एयर कंडीशनर। ओके, चलिए हम प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर आते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है, और प्लीज आप लोग गेस्ट बन के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं यार, गेस्ट बन के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, उसके हिसाब से आप चैनल पे डेली विजिट करिए, पढ़िए। मैं बोला हूँ कि रेगुलर मैं इस पे वीडियो अपलोड करूंगा, और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए तो बायोलॉजी में तो कोई इशू नहीं आएगी, और बायोलॉजी अगर आपकी रेडी है तो आप कंफर्टेबली जो है फिजिक्स केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, आप बायोलॉजी को लास्ट के लिए छोड़ के चलते हैं कि आसानी से हो जाएगा, और लास्ट में पता चला यही धोखा दे देती है, ठीक है। तो घर की मुर्गी दाल बराबर या साग बराबर मत समझिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम पढ़े तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब हमने बताया क्या था, प्रिमिटिव। क्या? प्रिमिटिव, ठीक है। ये प्रिमिटिव अपने एंशियंट हिसाब से नहीं, प्रिमिटिव का मतलब जो पहले आया था, ठीक है, पहले शुरुआती दौर का, ठीक है। कैरियोटिक लिखा है ना, कैरियोटिक
कहाँ से आया है? कैरियन से आया है। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ये ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। क्या है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या है, जहां पे डीएनए है, ठीक है, इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ओवरऑल इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया यही है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, या जिसको हम बोल ले ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं पाया जाता, मतलब ये अब्सेंट होता है। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं? यूनिसेलुलर होती हैं। क्या होती हैं? यूनिसेलुलर। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, समझ रहे हैं कि नहीं? यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ओके, आगे हम चलते हैं, इसमें देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है, हमने पहले पढ़ा, एक्सेप्ट राइबोसोम के। और यहाँ पे जो राइबोसोम पाया जाता है उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, वो डिफर करता है ना, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के राइबोसोम्स में डिफरेंस होता है। तो यूकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है? 80S टाइप। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो क्या होता है? 70S टाइप, ठीक है। इसमें दो यूनिट होती है, कौन कौन सी यूनिट होती है? 50S होता है और एक 30S होता है, ठीक है। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर है। यही केवल एक ऑर्गेनेल इसमें पाया जाता है, और ये भी क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब यहाँ पे इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है राइबोसोम के ऊपर। और इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं पाया जाता है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन हो, ठीक है। इसीलिए न्यूक्लियर मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसके बाहर भी कोई कवरिंग नहीं होती है, समझ रहे हैं ना, उसके बाहर भी कोई कवरिंग नहीं होती है। क्लियर है कि नहीं? ओके, सो द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? बैक्टीरिया। हम बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया अगर बोल दिए तो इसका मतलब प्रोकैरियोटिक सेल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ये पहले एल्गी का पार्ट था लेकिन है क्या, ये बैक्टीरिया है, तो इसलिए इसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोल दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होगा किसमें? फोटोसिंथेसिस में, समझ रहे हैं ना। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉप्स हो जाएगा। सारे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है। क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स। इसी को और क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया। क्लियर है कि नहीं? ब्लू ग्रीन एल्गी साइनो बैक्टीरिया या ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया आप देखेंगे जो साइकस का आपका एक रूट होता है, ठीक है, निगेटिव जियोट्रॉपिक रूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरेलोइड रूट। इस कोरेलोइड रूट को जब कट करते हैं ना, तो इसमें एक कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना जो होती है, स्पेशली नॉस्टॉक बैक्टीरिया जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो वहां पाया जाता है, और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। क्लियर है? उसी की वजह से उसका कलर ग्रीनिश दिखता है। एनीवे, आइए बैक टू आवर टॉपिक। और इसमें बोला माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक है, लेकिन इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है माइकोप्लाज्मा का, अभी हम आगे देखेंगे, इसके ऊपर जो है ना सेल वॉल नहीं होती है। अब सोचिए कि जो पहले प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया, यूजुअली बैक्टीरिया या जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती थी पहले, बॉटनी का पार्ट था। बॉटनी का मतलब जो प्लांट से रिलेटेड क्यों बोला गया? क्योंकि प्लांट में भी सेल वॉल होता है, प्लांट की सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल में जो बैक्टीरिया है ना, यहाँ पे भी सेल वॉल पाया जाता है। यहाँ प्लांट में हमने बताया सेल वॉल डिफर किसमें करता है, यहाँ पे सेल वॉल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है। और यहाँ क्या होता है? यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन होता है। पेप्टिडोग्लाइकन मतलब यहाँ पे जो मोनोमर होगा वो अलग होगा, यहाँ पे सेलुलोज का मोनोमर ग्लूकोज होता है और यहाँ पे अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे नैम एंड नैग होते हैं, एनस्टाइल म्यूरोमिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। क्लियर है? सो कहानी जो है ना ऐसे याद रखनी है आपको, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, आराम से आप सुनेंगे ढंग से और चीजों को समझते जाएंगे तो कहानी याद रहेगी और नाम भी याद रहेगा।
एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है निमोनिया कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उस टाइप का, ठीक है। निमोनिया होता है ना डिजीज, निमोनिया बहुत सारे रीजन से हो सकता है, क्लियर है कि नहीं। निमोनिया के बहुत सारे रीजन होते हैं, एक सेकेंड होल्ड ऑन। ओके सो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्या क्या चीजें प्रोकैरियोट्स में आ रही है, ठीक है। ओके दे आर जनरली स्मॉलर, छोटे होते हैं, दिखते नहीं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में पढ़ाया जाता था। मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, तो इनका मल्टीप्लिकेशन का जो टाइम पीरियड होता है बहुत कम होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल का टाइम पीरियड ज्यादा होता है काफी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड मतलब 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है नॉर्मली, जैसे ई कोलाई सेल होती है ना, एशिया कोलाई की सेल अगर हम देखते हैं उसका जो बैक्टीरिया होता है ई कोलाई, वो 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया और भी होंगे, हो सकता है उससे कम में, इन जनरल नहीं तो ऐसे ही अपना 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे में डिवीजन होता रहता है उनका, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, हम देखेंगे अभी। दे मे वेरी ग्रेटली इन द शेप एंड साइज, तो वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बेसिक जो बेसिक है इसमें और भी मॉडिफिकेशन होगा, ब्रांचिंग भी हो सकती है, ठीक है। स्पाइरल है तो उसमें कोकस में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, रॉड में भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, तो नेमिंग हो जाएगी। लेकिन बेसिक जो होते हैं, बेसिक जो इनका शेप होता है चार टाइप से होता है। एक रॉड लाइक होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, बैसिलस, ठीक है। कोकस, कोकस का मतलब स्फेरिकल, मतलब राउंड शेप, ऐसा। रॉड लाइक का मतलब ऐसा, ठीक है। विब्रियो का मतलब ऐसा कॉमा टाइप का, ठीक है। एंड स्पाइरुलम का मतलब होता है ऐसे टाइप से, क्लियर है। यहाँ पे देखिए दिया है, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, अगर जूम करें, सॉरी सिलेक्शन पे जाएंगे ना तब ये होगा, ठीक है। ओके दिख रहा है यहाँ पे कोकस क्या है, राउंड शेप है। ये डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस छोड़ दीजिए, कोकस राउंड शेप, बैसिलस, बैसिलस का मतलब रॉड शेप, ये क्या है, कोकस का मतलब स्फेरिकल या राउंड शेप आप कह लीजिए, ठीक है। ये देखिए विब्रियोस मतलब कॉमा, कॉमा लाइक, ठीक है। विब्रियो कॉलरा, ये कॉलरा डिजीज सुने है ना, तो इसी से कॉज होता है। ये देखिए स्पाइरुलम, ये स्पाइरो किड्स है, ये स्पाइरुलम है, तो इसका भी शेप थोड़ा सा स्पाइरल में होता है, स्पाइरिला टाइप का, ठीक है, क्लियर है नहीं। स्पाइरुलम ये देखिए स्पाइरल शेप में होता है, थोड़ा ऐसे ऐसे दिखेगा आपको। सो ये बेसिक शेप होते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा अगर इस पे कि भाई इसमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया के शेप में नहीं आता है, तो आपको पता रहना चाहिए, क्लियर है कि नहीं। ओके नाम पता हो गए, ठीक है। डिजीज यहाँ पे दिया नहीं है, आपको इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ पे बोल रहे थे बेसिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमने इमेज लगाया हुआ है, इनको हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए अगर हम इस इमेज की बात करें सीधे सीधे, सो यहाँ पे आप देखिए ये आपका बैक्टीरिया सेल को थोड़ा सा कट करके दिखाया गया है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल है उसका ये पोर्शन कट किया गया है, देखिए लेयर देख रहे हैं ना, ये सेल वॉल की लेयर में सबसे बाहर एक लेयर होती है जिसको कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है, कैप्सूल। तो ये एक्चुअल में इसकी पैथोजेनेसिटी से भी रिलेशन इसका होता है, पैथोजेनेसिटी कि मतलब कैप्सूल लेयर अगर है तो स्मूथ होगा, रफ होगा कैसा नहीं होगा, ठीक है। इसी को हम ग्लाइकोकैलिक्स के फॉर्म में बोलते हैं या स्लाइम लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो हम बाद में देखेंगे, अगर हम प्रॉपर सेल वॉल पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे क्या होता है कैसे होता है, लेकिन ओवरऑल ये क्या होता है, कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब कवरिंग, जैसे मेडिसिन खाते हैं ना तो उसको कैप्सूल बोलते हैं, उसके अंदर मेडिसिन रहती है। भाई कैप्सूल आप खरीदते हैं ऐसे तो ऐसे होता है ना, इसमें मेडिसिन ऐसे भर जाती है ग्रैन्यूल से, या बहुत कड़वाहट वाली ऐसी मेडिसिन होती तो इसमें भरी जाती है, ठीक है। और इसका एक कैप ऐसे होता है, नहीं समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो ये कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही कैप्सूल के अंदर पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो कैप्सूल इनका एक्चुअली पैथोजेनिसिटी से रिलेटेड है, मतलब कुछ बैक्टीरिया जिनके ऊपर कैप्सूल होगा तो ज्यादा पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेडिसिन जो है उस पर काम नहीं करेगी, हो सकता है कैप्सूल उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। ये उस तरीके से है। सो ये आपको अगर पढ़ना नहीं है बस आप ध्यान रखिएगा, सबसे बाहर की लेयर जो होती है कैप्सूल होती है। कैप्सूल का नेचर अभी हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है कैसे होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे
उसी से रिलेटेड हम ज्यादातर पढ़ेंगे चीजों को, क्यों? क्योंकि तो आप लोग वैसे ही बर्डन फील होता है। सेलवाल, सेलवाल का नेचर यहाँ क्या होता है, सेलवाल होती है मतलब सेलवाल, लेकिन सेलुलोजिक नहीं होती। यहाँ पे सेलवाल जो होती है किसकी बनी होती है, पेप्टिडो पेप्टाइडो या पेप्टिडो ग्लाइकन की, ठीक है। और अलग अभी हम देखेंगे यहाँ पे जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहाँ पे सेलवाल का नेचर और थिकनेस जो है डिफर करता है, ठीक है। वो भी डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन नाम जहाँ आएगा हम कुछ बेसिक चीज यहाँ बताएंगे अभी आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिवर्सल है, ये प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। तो यहाँ पे इसका भी नेचर यहाँ क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल। ये देखिए फिम्ब्री, फिम्ब्री का मेन फंक्शन होता है अटैचमेंट करने के लिए, ये सरफेस पे ऐसे दिखता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, जहाँ पे इसकी सारी सेलुलर एक्टिविटीज जो होती परफॉर्म होती। राइबोसोम का हमने नेचर बताया क्या, 70S टाइप, और ये कहाँ हेल्पफुल रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन मशीनरी या फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, ठीक है। केवल क्या प्रेजेंट है, डीएनए, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए होता है, तो ये डीएनए है, ये क्या है, डीएनए है। तो ये ऐसे नहीं है कि डीएनए ऐसे मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो पूरा कहीं पे बिखरा रहेगा, नहीं, एक पर्टिकुलर रीजन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो होती है ना, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एक्चुअली में, तो उसके साथ ये अटैच रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम रहा है इधर उधर या पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, नहीं, इसीलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। एंड इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज होती हैं और ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं, ये भी डीएनए ही है। प्लाज्मिड भी क्या है, डीएनए है, सर्कुलर है, जैसे मेन डीएनए होता है इनका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रोमोजोम एज सच नहीं बोलते हैं, मतलब होता नहीं है रियल में, जैसे यूकैरियोटिक सेल में हमारी सेल में क्रोमोजोम है, लेकिन हम यहाँ पर भी क्रोमोजोम टर्म यूज करते हैं जब हम प्लाज्मिड की बात करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल। ये एक्चुअली में क्या है ना, मेन डीएनए की तरह ये इसकी मेजर मेटाबॉलिक एक्टिविटी या इसके सर्वाइवल में हेल्प नहीं करता है। प्लाज्मिड का इम्पोर्टेंस क्या है हम पढ़ेंगे। प्लाज्मिड जब वेक्टर की तरह यूज होता है, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है ना बहुत सारी चीजों के लिए, हाँ, तो ये प्लाज्मिड ही होता है जो उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक सेल में अकेला भी हो सकता है और 1000 तक या 100,000 तक भी जा सकते हैं, समझ रहे हैं ना। ये डिपेंड करता है किस टाइप का बैक्टीरिया है, और ये प्लाज्मिड ट्रांसफर भी इसको हम एज अ वेक्टर यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक है। हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड एज अ वेक्टर, बायोटेक में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। और ये देखिए फ्लैजला दिख रहा है आपको बड़ा सा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी हम बैक्टीरिया को अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे हम अगर फ्लैजला की बात करते हैं तो ये देखिए एक साइड में फ्लैजला दिया हुआ है, नहीं, फ्लैजला है ये, ठीक है। और ये पाइलस है, पाइलस का मेन काम, इसको पिलाई भी बोलते हैं, या पाइलस या पिलाई। ये बना किससे होता है, पिलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, पिलिन प्रोटीन, ठीक है, पिलाई पिलिन प्रोटीन। इसका मेन काम क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाना। क्या, कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेशन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह कंसिडर किया जाता है। किसमें, बैक्टीरिया में। और डिस्कवरी किसने की थी, बीडल एंड टॉटम ने। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, ओके, क्लियर है तो बढ़िया है, नहीं क्लियर है तो फिर से पढ़िए इसको, ठीक है। फ्लैजला जो होता है, फ्लैजला का यहाँ डिटेल स्ट्रक्चर दिया होगा तो पढ़ेंगे, नहीं दिया होगा तो थोड़ा सा बता देंगे। फ्लैजला जो होता है फ्लैजलीन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है, फ्लैजलीन प्रोटीन, ठीक है। और बैक्टीरिया के जो टाइप्स होते हैं ना, फ्लैजला के बेसिस पे भी हम बैक्टीरिया को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक साइड में, जैसे इसमें दिख रहा है, एक साइड में अगर फ्लैजला पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोट्राइकस। क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। अगर मान लीजिए कि फ्लैजला ऐसे बैक्टीरिया है, ठीक है, और फ्लैजला हमको इस साइड में भी दिख रहा है, सिंगल फ्लैजला है ये, सिंगल, ठीक है,
और इस साइड में भी दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऐसी कंडीशन को एम्फी, एम्फी का मतलब बोथ होता है, एम्फी ट्राइकस, ठीक है, ट्राइकस, समझ रहे कि नहीं। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया है और फ्लैजेला, फ्लैजेला इधर भी एक से ज्यादा है, मतलब टफ टफ फ्लैजेला है या बंच ऑफ फ्लैजेला है ऐसे, ठीक है, एक साइड में है या दोनों साइड में, ठीक है, एक में भी हो सकता है, मतलब दूसरी कंडीशन कैसी हो सकती है, दूसरी कंडीशन और ये बैक्टीरिया हम बना रहे हैं भाई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, या केवल एक साइड में है, दिख रहा है ना, हम वर्ड्स पे ही बनाते जा रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, क्या बोलते हैं, लोफो, लोफो वर्ड नहीं दिख रहा है क्या, इसको बोलते हैं, एक सेकेंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, डोंट वरी, तो क्या बोलते हैं, लोफो, लोफोट्राइकस, एक साइड में बंच हो, टफ टफ फ्लैजला है ये, टफ ऑफ फ्लैजला, ठीक है, या दोनों साइड में हो। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन कौन सी होती है, ये है बैक्टीरिया और इसके चारों तरफ जो है ना, चारों तरफ ऐसे ऐसे फ्लैजला हो, ठीक है, ये चारों तरफ फ्लैजला हो, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरी, पेरी का मतलब चारों तरफ होता है, पेरीमीटर निकालते हैं हम, पेरी ट्राइकस, क्लियर है कि नहीं। तो ये आपको शायद नहीं पढ़ना है, कहीं नाम नहीं दिया है, लेकिन यहाँ एक फ्लैजला था तो मैंने बता दिया, ताकि बाय चांस अगर आप कहीं इधर उधर देखें तो उससे परेशान ना हो कि एक ही होता है कि नहीं होता है, एक ही होता है और एक से ज्यादा भी होता है, एक से ज्यादा चारों तरफ भी हो सकता है और दो तरफ भी हो सकता है, एक तरफ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके अलग अलग नाम है और अलग अलग टाइप है, क्लियर है कि नहीं। इतनी कहानी क्लियर हुई, ओके, हम आगे चलते हैं इसके स्ट्रक्चर में, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं बाबूजी लोग, वन सेकेंड होल्ड करिए, इसको हमने शिफ्ट कर दें क्योंकि पढ़ाने के लिए था आपके, और इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो ये शब्दों को छुपा के रखेगा, क्लियर है कि नहीं। अभी हमने पढ़ लिया इसका, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस, ठीक है, तो इसका जो बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर है, बेसिक फंक्शन है, वो किसकी तरह है, यूकैरियोटिक सेल की तरह, ये ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटली सिमिलर है ना, इवन दो, और ये अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो भी जो मेन फंडामेंटल इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, मेन फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो सिमिलर है, भले इनका शेप साइज और बाकी चीजें अलग हो थोड़ी थोड़ी, लेकिन मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है और मेन जो फंक्शनिंग का एस्पेक्ट है वो सबका एक ही टाइप से है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं, ओके। और एक एस्पेक्ट क्या है, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहा है, सबकी हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, हमने बोला ना कि सबके ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइको प्लाज्मा है, ये ध्यान रखिएगा, माइको प्लाज्मा स्पेसिफिक केस है, माइको प्लाज्मा के ऊपर जो होता है ना सेल वॉल नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है, समझ रहे ना, इसके ऊपर सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए माइको प्लाज्मा को पहले बोला जाता था क्या, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम, क्यों, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, पहले जो है ये प्लांट के ही किंगडम में आता था, बाद में जब डिवाइड हुआ तब भी हम इसको ऐसे ही बोलते गए, ठीक है, माइको प्लाज्मा, क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, तो इसका जो शेप साइज ऐसे ऐसे होगा, एनिमल की तरह डिफर करता है, समझ रहे कि नहीं, तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम माइको प्लाज्मा या PPLO, क्लियर है, यहाँ पे आपको पढ़ना नहीं है सच। द फ्लूइड मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमने बताया कि साइटोप्लाज्म जैसे यूकैरियोटिक सेल में होता है ऐसे भी होता है, जितनी भी एक्टिविटी होती है, सारी एक्टिविटीज कहाँ होती है इनकी, जो सेलुलर एक्टिविटीज हो रही है साइटोप्लाज्म में होती है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस भी कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, डीएनए भी साइटोप्लाज्म में है, डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर वो तो साइटोप्लाज्म में ही हो रही है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ग्लाइकोलिसिस जो एनर्जी का सोर्स होगा, एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, क्लियर है कि नहीं, मतलब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में,
There is no well-defined nucleus. No well-defined nucleus का मतलब क्या है? There is no nuclear membrane. तो कोई एक particular area नहीं है कि ये nucleus है और इसके अंदर जो है genetic material है. No. यहाँ पे boundary नहीं है nuclear membrane की, केवल genetic material ऐसे है. Genetic material क्या होता है? Circular nature का होता है. Circular nature मतलब अगर इसको open करके देखेंगे तो ऐसे आपको दिखेगा. There is no end. जो हमारे केस में होता है कैसा होता है? Linear. नहीं, ऐसे ही होता है ना. हमारा DNA circular नहीं है. क्लियर है कि नहीं? हाँ. तो प्लाज्मिड और जो मेन इनका न्यूक्लियोइड है, जेनेटिक मटेरियल है ना, वो दोनों सर्कुलर नेचर का होता है. ध्यान में रहेगा कि नहीं? द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड. तो इसको जेनेटिक मटेरियल क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेकेड बोलते हैं. ठीक है, समझ रहे ना? दैट इज नॉट इनवेलप्ड बाई अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ना, बहुत आसान सा बनेगा. कैसे बनेगा? एसर्शन में बोल देगा कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर नेकेड. ठीक है, इज नेकेड. रीजन में क्या देगा? बिकॉज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. या क्वेश्चन दूसरे तरीके से दे देगा, बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. तब भी क्वेश्चन जो है ना रिफरेंस में सही हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा. लेकिन हाँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं है तो ऑब्वियस बात है न्यूक्लियस भी क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो अगर बहुत इनडायरेक्ट देगा तब ऐसे दे सकता है, नहीं डायरेक्ट देगा तो दे देगा सीधे सीधे, बिकॉज देर इज नो न्यूक्लियर इनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर है कि नहीं? तो दोनों ऑप्शन जो हो जाएगा सही हो जाएगा और एक्सप्लेन भी कर देगा. इन एडिशन क्या है? जीनोमिक डीएनए क्या होता है? सिंगल क्रोमोजोम और सर्कुलर डीएनए. तो सिंगल ही होता है. इसको क्रोमोजोम हम टर्म यूज करते हैं, हालांकि ये टू क्रोमोजोम सेंस में नहीं होता है. ठीक है, लेकिन क्रोमोजोम यूज करते हैं. ठीक है, या सर्कुलर डीएनए बोलेंगे. मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जिसको हम बोलते हैं ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल. वही बताया ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल बस बोलते हैं. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं. ये देखिए, और ये क्या क्या कन्फर कर सकता है? प्लाज्मिड्स कैन डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर. फिनोटिपिक कैरेक्टर का मतलब ये इनके शेप और साइज और चीजों में भी क्या दिखता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखता है टू सच बैक्टीरिया. फिनोटिपिक का मतलब बाहरी, आउटर, मॉर्फोलॉजिकल. ठीक है, वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. ठीक है, तो प्लाज्मिड जो होता है रेजिस्टेंस किसके लिए? एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये. ठीक है, बैक्टीरिया मतलब उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा जिसके लिए रेजिस्टेंस वाला जीन यहाँ प्रेजेंट है. इन हायर क्लासेस ये हम बताएंगे कि प्लाज्मिड का यूज कैसे किया जाता है डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए. ठीक है, ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, समझ रहे हैं ना? तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात कर रहा है, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है दो तरीके से हो सकता है ना, तीन मतलब बैक्टीरिया का, कि भाई दूसरे बैक्टीरिया का जीन, मतलब इस बैक्टीरिया में कोई भी जीन है, सपोज ये बैक्टीरिया ए है और ये बैक्टीरिया बी है, तो ये जीन किसी ना किसी तरीके से यहाँ आ जाए बी में. क्लियर है? तो ये तीन तरीके से होता है एक्चुअली में. पहला क्या होता है? कॉन्जुगेशन, जो अभी हम बताया बीडल एंड टॉटम का. दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, जिसको ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में बताया था. ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ये, पढ़ेंगे हम डीएनए जब चैप्टर पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल तब उसमें पढ़ेंगे. ठीक है, तीसरा जो होता है ट्रांसडक्शन होता है. ये आपको पढ़ना नहीं है. ट्रांसडक्शन मतलब यहां से यहां तक ट्रांसफर जो होता है किसके थ्रू हो? वायरस के थ्रू. और वायरस कौन सा होता है? बैक्टीरियोफेज होता है. ये एक बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, गलती से जो होता है इसका जेनेटिक मटेरियल लेके भाग जाता है, दूसरे पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे ये ट्रांसफर कर देगा. ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया का ट्रांसफर होता है. तो वेक्टर जो प्लाज्मिड होता है वो कंजुगेशन के टाइम पे, जब कंजुगेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब जब बनता है पिलाई के द्वारा, उस टाइम पे प्लाज्मिड जो है एक्ट करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड इन यूकेरियोटी तो पता ही है. यहाँ पे क्या है? नो ऑर्गेनेल्स, बोले ना कोई भी ऑर्गेनेल जो कि यूकैरियोट्स में होता है वो नहीं पाया जाता है, केवल एक को छोड़ के, कौन सा? राइबोसोम. लेकिन नेचर चेंज होता है यहाँ पे. यूकैरियोट में 80S टाइप का होता है और प्रोकैरियोट में 70S टाइप का. मतलब बैक्टीरिया के केस में 70S होगा. यूकैरियोटिक मतलब हमारे आप में जो भी प्लांट सेल है, अदर सेल है, उसमें 80S होगा. इसमें हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, दो सब यूनिट नाम ध्यान रखिएगा, 50 और 30. एस लिखने का क्या पर्पज होता है? एस स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट. ठीक है, स्वेडबर्ग ने इसको डिस्कवर किया था. मतलब ये एक्चुअल में सेडिमेंटेशन रेट के बेसिस पे डिपेंड करता है. सेडिमेंटेशन रेट, जब हम
अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में या सेंट्रीफ्यूज में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में, सेंट्रीफ्यूज ठीक है, में जब इसको हम रन करवाते हैं ना, तो टेस्ट ट्यूब में ऐसे ना, जो टेस्ट ट्यूब होती है चूल्हे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग एरिया होता है, तो ये वेट के बेसिस पे अलग अलग दो पार्ट है एक्चुअली में। जब राइबोसोम का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। तो ये 30S हो जाएगा और ये 50S हो जाएगा, क्लियर है। तो इसमें ना अलग अलग रेंज पे जो है ये सेट होते हैं। एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सो सेडिमेंटेशन रेट ना, जब हम इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऐसे भर के डीएनए मान लीजिए डाल दिए, और जब इसको सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूज में लगा देते हैं ना, तो पता चला ये जो राइबोसोम है ये दो जगह सेटल होता है। एक कहाँ सेटल होता है, ये मान लीजिए 30S वाला है सपोज, तो ये 30S पे सेटल हो जाएगा, और जो और हैवी होगा वो कहाँ सेटल होगा, नीचे सेटल होगा, तो मान लीजिए 50S यहाँ सेटल हो गया। इसीलिए इसको हम दो, मतलब दो पार्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन ओवरऑल क्या है 70S, मतलब अगर दोनों को कंबाइंडली हम देखते हैं कि अगर ये नहीं छूटते हैं तो ये कहाँ आगे सेटल होंगे, 70S पे सेटल होंगे। ऐसे ही 80S यूकैरियोटिक केस में हम अभी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है 60 और 40 का होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक केस में, क्लियर है कि नहीं, ध्यान रखिएगा। तो ये नॉर्मल जो न्यूमेरिकल अरिथमेटिक हम एडिशन करते हैं उसके हिसाब से नहीं चलता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्लियर है कि नहीं। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अगर इसकी बात करेंगे तो केवल यही है कि यहाँ पर भी राइबोसोम होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। बाकी अदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब कोई भी ऑर्गेनेल ऐसा जिसके ऊपर ऐसे कवरिंग हो, जिसके ऊपर ऐसे कवरिंग हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमने ये बनाया, ठीक है, तो इसके ऊपर ये बाहर की कवरिंग है ना, हाँ, जैसे क्लोरोप्लास्ट मान लीजिए हमने ये बनाया, तो इसके बाहर की कवरिंग है ऐसे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं होता जिसके बाहर कवरिंग हो, क्लियर है कि नहीं। ऐसे गॉल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब लोग क्या है, सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लियर है, ओके। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूजन बॉडीज जो होती है, इंक्लूजन, ठीक है, माइक्रो बॉडीज की हम बात नहीं कर रहे, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडीज का मतलब होता है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ऐसे ना आपके सेल में ऐसे बिखरे रहते हैं जो साइटोप्लाज्म में, तो इनको बोलते हैं इंक्लूजन्स, इंक्लूजन्स, ठीक है, ये यूकैरियोट में नहीं होता है, क्लियर है, प्रोकैरियोट का पार्ट है। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीजोसोम, तो अब प्लांट में हम कोई भी क्या बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं देख रहे हैं, ठीक है, नहीं पाया जाता है। तो भाई जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो पाया जाता है, पावर हाउस जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करता है इफेक्टिवली, तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे अब्सेंट है तो इसका मतलब एटीपी नहीं बनना बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया अपनी एनर्जी कहाँ से डिराइव करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल हो गया और इसकी ये अंदर सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होता है ना, ऐसे ऐसे जो है स्ट्रक्चर इसमें बन जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ये इनर फोल्डिंग है, किसकी इनर फोल्डिंग, किसकी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग है, इन साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो मीजोसोम है ना, मीजोसोम ये क्या करता है, यहीं पे ये जो रेस्पिरेशन का काम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यहाँ रेस्पिरेशन का काम मीजोसोम में होता है, और भी इसके फंक्शन है लेकिन ये भी एक काम है। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे ही ना, जो इसे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं, इनको हम क्रोमेटोफोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स, क्लियर है कि नहीं। ये इसको कलर भी प्रोवाइड करेंगे और बाकी चीज भी करेंगे जो भी फंक्शन होगा इनका, क्लियर है, जितना डिटेलिंग यहाँ जरूरत है उतना ही हम बता रहे हैं, प्लीज इससे ज्यादा बताएंगे आप लोग खाली मस्ती करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, जितनी जरूरत है उतना आप काम करिए, मोर देन इनफ है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मीजोसोम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, प्रोकैरियोट में, सिंपली ये किसके इक्विवेलेंट होता है, किसके इक्विवेलेंट फंक्शन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। They are essentially infoldings of the cell membrane या plasma membrane. Clear है कि नहीं, इतनी चीजें आई थिंक क्लियर है, क्लियर है। सेल का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, हमने प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा जो भी अदर चीजें हैं उनको हमने साथ में बताया है। एक सेकेंड, आगे हम देखें कितना टाइम हो गया, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। सो अगले चैप्टर में हम सेल इन्वेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, तो इसके सेल इन्वेलप के बारे में, मतलब जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो इसके बाहर की जो कवरिंग है ना, इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे,
और जो इसके अंदर की चीजें हैं और इसके साथ साथ हम ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे और इसका मीनिंग क्या है ये भी पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? ये अगले लेक्चर में पढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है शायद, और अगर हम अभी बढ़ाएंगे तो फिर एक डेढ़ घंटा भी जाएगा, फिर आप कहेंगे लेक्चर जो है बड़ा हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, साइज यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है भाई, आप इसको हवा हल्के मत लेके चला करिए। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है उसका साइज कितना है, 10 से 20 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर भी क्वेश्चन बना सकता है, डायरेक्ट भी दे सकता है। ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, मतलब लगभग रेंज इनका यही होता है, छोटे छोटा, कुछ कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ हिस्से भी छोटा, लेकिन रेंज यही मिलेगा आपको। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, 3 से 5 माइक्रोमीटर। तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो उस हिसाब से देगा। ठीक है, पीपीएलओ का साइज देखिए, पीछे हमने कहाँ पढ़ा था, 0.3 माइक्रोमीटर, यहाँ 0.1 दिया हुआ है, तो दोनों ध्यान रखिएगा। वायरसेस का रेंज सबसे छोटा होता है, इसलिए अगर हम बैक्टीरियल बैक्टीरिया वाले फिल्टर से अगर फिल्टर करते हैं तो बैक्टीरिया तो फिल्टर आउट हो जाएगा, लेकिन वायरस अंदर चला जाएगा उसमें, फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो बैक्टीरिया के लिए साइज क्या होता है फिल्टर का, इससे कम होगा, लेस देन 0.02 माइक्रोमीटर का अगर साइज है तब इसका मतलब जो वायरस है